आप सभी का इस चैनल में फिर से स्वागत है। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम बात करते हैं एक नए लेखक जिनका नाम है इसामी। ठीक है, इसामी का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। आज इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं कि कैसे इन्होंने अपनी रचनाएँ की, क्या उन रचनाओं में जो है बातें इनकी लिखी गई हैं। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। इसामी, इनका जो पूरा नाम था वो था अब्दुल्ला मलिक इसामी। ठीक, इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1311-12 में। ठीक है, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ईरान के प्रसिद्ध कवि, एक ईरान के प्रसिद्ध कवि फिरदौसी, उनके जन्म के लगभग 300 वर्ष बाद जो है इनका जन्म हुआ था, यानी इसामी का जन्म हुआ था। ठीक है, इसामी के पूर्वजों में एक व्यक्ति है जिनका नाम है फखरुल मुल्क। ठीक है, इसामी के पूर्वजों में एक व्यक्ति है जिनका नाम है फखरुल मुल्क। ये पहला व्यक्ति है जो दिल्ली आए थे और जो पहले अब्बासी खलीफाओं के समय में वजीर भी रह चुके थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनकी जो किताब है वो है फुतुह उस सलातीन, ये काफ़ी फेमस किताब है, सब जानते हैं। ठीक है, फुतुह उस सलातीन, ये जो पुस्तक है 9 दिसंबर 1349 को ये किताब शुरू हुई थी और 14 मई 1350, ठीक है, 1350 को ये किताब पूर्ण हुई थी। इन्होंने 9 दिसंबर 1349 को ये किताब प्रारंभ की और 14 मई 1350 को ये किताब पूर्ण हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनकी जो ये किताब है यानी फुतुह उस सलातीन जो किताब है, ये फिरदौसी की शाहनामा की शैली में पद्य में लिखी गई है। ठीक है, ध्यान रखना, इनकी जो किताब है फुतुह उस सलातीन वो फिरदौसी की शाहनामा की शैली में पद्य में लिखी गई है। ठीक है, इस किताब में कुछ विशेष चीज़ें हैं, जैसे प्रांतीय राजवंश पर पहली रचना इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना, प्रांतीय राजवंश पर फुतुह उस सलातीन पहली रचना है, लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। एक किताब है तबकात ए अकबरी या तारीख ए निज़ामी भी इस पुस्तक को कहते हैं, जिसके लेखक हैं निज़ामुद्दीन अहमद। ठीक है, जिसके लेखक हैं निज़ामुद्दीन अहमद। ये निज़ामुद्दीन या ये तबकात ए नासरी जो है इनकी पहली रचना है जो प्रांतीय राजवंश के विषय में स्पष्ट रूप से उल्लेख करती है। इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ध्यान से बात सुनना। एक तो प्रांतीय राजवंश पर पहली रचना फुतुह उस सलातीन, और दूसरी प्रांतीय राजवंश पर स्पष्ट रूप से जिन्होंने उल्लेख किया है वो है तबकात ए अकबरी यानी निज़ामुद्दीन अहमद की तबकात ए अकबरी या तारीख ए निज़ामी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनकी जो पुस्तक है फुतुह उस सलातीन, उसमें चरखे का पहला साहित्यिक साक्ष्य मिलता है। इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरखे का पहला साहित्यिक साक्ष्य किसमें मिलता है, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊंगा, चरखे का जो पहला साहित्यिक साक्ष्य है वो इसामी की फुतुह उस सलातीन और एक किताब है मिफ्ताह उल फुजाला। ठीक है, एक किताब है मिफ्ताह उल फुजाला, इसमें भी चरखे का प्राथमिक साहित्यिक साक्ष्य मिलता है। ठीक है, दो किताबें हो जाएंगी, चरखे का पहला साहित्यिक साक्ष्य मिलता है फुतुह उस सलातीन और मिफ्ताह उल फुजाला में। ठीक हो गया, इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि इन्होंने किस तरीके से कार्य किया। ऐसा कहा जाता है कि ये जो इसामी थे वो अविवाहित थे। इनकी जो पुस्तक है उसमें 7000 पद हैं। ठीक है, और यह जो पुस्तक है
महमूद गजनवी से लेकर, और यह जो पुस्तक है महमूद गजनवी से लेकर 1350 तक के मुस्लिम इतिहास को संकलित करती है। ठीक है, जो इनकी पुस्तक है इसमें 7000 पद हैं, और यह पुस्तक महमूद गजनवी से लेकर 1350 तक के मुस्लिम इतिहास को समेटती है। ठीक है, डॉक्टर मेहंदी हुसैन ने इस पुस्तक को प्रकाशित करवाया और इसे इतिहास की चमत्कारी पुस्तक कहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो इसामी था वो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था, ये सभी जानते हैं। ठीक है, जब ये 16 वर्ष का था, जब इसामी 16 वर्ष का था, तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित की गई, तो उस दौरान इसामी के दादा जिनका नाम था इजुद्दीन, ठीक है, इसामी के दादा इजुद्दीन, ये भी उस प्रवास के दौरान मारे गए थे। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, जब MBT, जब ये 16 वर्ष के थे इसामी, जब ये इसामी 16 वर्ष के थे, तो MBT ने दिल्ली से दौलताबाद जो है राजधानी स्थानांतरित की, इस प्रवास के दौरान इसामी के दादा इजुद्दीन जो है इनकी इस प्रवास में मृत्यु हो गई, जिस कारण जो है MBT से रुष्ट रहा, जिस कारण ये MBT से रुष्ट रहा। यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति है जिनका नाम है अमीर हसन देहलवी। ठीक है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है अमीर हसन देहलवी, ये वही अमीर हसन देहलवी हैं जिन्हें भारत का शेख शादी कहा जाता है, और अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत बलबन के पुत्र मोहम्मद खां के समय से प्रारंभ की थी, ये वही अमीर हसन देहलवी हैं। ठीक है, इनको भी MBT के राजधानी परिवर्तन यानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन के दौरान जो है दिल्ली से दौलताबाद जाना पड़ा था। दो बातें हो गई, एक तो इसामी और उसके दादा इजुद्दीन, और दूसरा अमीर हसन देहलवी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ये MBT से काफ़ी रुष्ट था, इसने सारी इन घटनाओं का जो है पूरा कारण MBT को माना। ठीक है, अपने दादा के मृत्यु का कारण वगैरह जो है सारा MBT को माना, तो इसने इसके बाद ये सोचा कि मैं ये हिंदुस्तान छोड़कर हज करने चले जाता हूँ। ठीक है, इन्होंने ये सोचा कि मैं हिंदुस्तान छोड़कर हज करने चले जाता हूँ, लेकिन फिर इनके दिमाग में ये बात आई कि जाने से पहले मैं अपनी मातृभूमि भारत के लिए कुछ ऐसी स्मृति छोड़ जाऊँ, मातृभूमि भारत के लिए कुछ ऐसी स्मृति छोड़ जाऊँ जो मुझे हमेशा के लिए अमर बना दे या जो यादगार रहे। उसके बाद जो है इन्होंने अपनी किताब वगैरह लिखना प्रारंभ किया था। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जब MBT की राजधानी परिवर्तन हुआ, उसके बाद ये दौलताबाद गए, तो फिर ये दौलताबाद ही रुक गए। ठीक है, ये दौलताबाद ही रुके, बाद में दौलताबाद में बहमनी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह के ये संरक्षण में चले गए। बाद में इन्होंने अपनी जो पुस्तक है इन्हीं को समर्पित की, यानी अलाउद्दीन बहमन शाह को ही इन्होंने अपनी किताब समर्पित की। ठीक है, इनके बारे में आगे बात करते हैं। इस पुस्तक यानी फुतुह उस सलातीन जो पुस्तक है, इस पुस्तक की महत्ता इस बात से भी है कि इस पुस्तक में, ठीक है, 1259 से लेकर 66, ठीक है, 1259 से लेकर 66 तक का इतिहास संकलन भी है, जो बरनी और मिनहाज उस सिराज ने छोड़ दिया था। ठीक है, ये एकमात्र तत्कालीन स्रोत है जो नासिरुद्दीन महमूद के अंतिम वर्षों का जिक्र करती है। इस पुस्तक में अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी अभियानों की अच्छी व्याख्या की गई है। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान इसामी बताता है कि उसने वहाँ जो है कपड़े के और चमड़े के थैलों पर मिट्टी से जो है कुछ गड्ढे पाटने का यानी बंद करने का जो है उल्लेख अपने उसमें करता है। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा यानी MBT की सांकेतिक मुद्रा के बारे में भी ये बताता है
कि जो इसकी सांकेतिक मुद्रा है वो इस्लाम के अनुयायियों को, ठीक है, एमबीटी की सांकेतिक मुद्रा के बारे में भी ये बताता है कि जो एमबीटी ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया वो इस्लाम के अनुयायियों को, वो इस्लाम के अनुयायियों को रुष्ट करने के लिए किया गया। ये तांबे के साथ साथ लोहे और चमड़े, ये तांबे के साथ साथ लोहे और चमड़े के सिक्कों का भी उल्लेख जो है करता है। इसामी जो है कराचिल अभियान को लेकर एक कहानी वगैरह भी बताता है कि एक बार मोहम्मद बिन तुगलक यमुना नदी के किनारे अपने बागों की ओर गया। वहाँ पर सड़कों में उसने ग्राहक और कुछ विक्रेता देखे। नगर की संपन्नता देखकर उसके दिमाग में इसको नष्ट करने का विचार आया। उसने आदेश दिया कि इस नगर को नष्ट कर दो। और इसामी ऐसा कहता है कि इसी सोच के दौरान, ठीक है, इसामी कहता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए उसने कराचिल अभियान किया। इस तरीके का इसामी जो है स्टेटमेंट देता है, ठीक है। इसने मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे बुद्धिमान, मूर्ख, इसने मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे बुद्धिमान, मूर्ख, नीच, कमीना, द्वितीय, याजिद कहा है, ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत का पहला व्यक्ति था जो गंगा जल का पान किया करता था और हिंदू त्योहारों में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करता था, जैसे होली, दीपावली वगैरह वगैरह, ठीक। तो इन्हीं आधार पर इसामी ने सुल्तान के सिर की मांग भी की थी। हो सकता है कभी क्वेश्चन बने किस कौन सा वो लेखक है जिसने सुल्तान के सिर की मांग की थी, इसामी ने, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुस्तान को समृद्ध किया, वहीं एमबीटी ने उसे तबाह किया, ठीक है, वहीं एमबीटी ने उसे तबाह किया। ये औरतों के बारे में भी बताता है कि औरत वही अच्छी है जो चरखा चलाती है, ठीक है, औरत वही अच्छी है जो चरखा चलाती है क्योंकि उच्च पद उसे अपने कर्तव्यों से विमुख करता है, ठीक है। ये हिंदुस्तान का गुणगान भी अपनी किताब में करते हैं कि मुल्के हिंदुस्तान के भी क्या कहने, के मुल्के हिंदुस्तान के भी क्या कहने, खुद फिरदौस यानी स्वर्ग इस बगिया से रशक यानी ईर्ष्या किए है। इसका इलाका धरती के माथे का गहना है जैसे सुंदर दुल्हन के माथे का तिल, ठीक है। ये है, आज हमने बात की इसामी के बारे में। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी रूप में बन सकता है, ध्यान से सुने। हाँ, अगर आप लोग पर्टिकुलर नोट्स वगैरह लिखना चाहते हैं इन टॉपिकों से लेकर, तो आप संस्थान से जुड़ें। अगर आप लोग के लिए ऐसा ही बेहतर है आप नोट्स खुद बना लें, तो हम आप लोगों के सामने ऐसे ही जो है अगले अगले टॉपिक रखते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक। और बात वही कि जम के मेहनत करें, नथिंग इम्पॉसिबल, ठीक है। धन्यवाद।